अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और ये भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक जो बात कभी मेरे मन में मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति।